Hello everyone, I am Sagar Sen. You're welcome to the class. Dear students, हम सीख रहे हैं narration, direct narration को indirect narration में change करना. और आज इस class में हम सीखने जा रहे हैं pronouns को कैसे change किया जाता है. ये narration का एक बहुत important rule है, जिसमें अक्सर students को confusion रह जाती है और pronouns change करने में गलती हो जाती है. I think इस क्लास के बाद में आपसे ये गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि हम जो ग्रामर के रूल्स हैं थ्योरी उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करना सीखेंगे और कुछ एक ट्रिक्स के थ्रू भी हम प्रोनाउंस को चेंज करना सीखने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस टू क्लासेस में हमने क्या किया उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ. जैसे कि नरेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम इन बेसिकली फाइव स्टेप्स को फॉलो करते हैं या ये फाइव रूल्स को अप्लाई करते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है और कंजक्शन कैसे ऐड किया जाता है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते वक्त. आज हम सीखने जा रहे हैं तीसरा स्टेप, यानी तीसरा रूल जो प्रोनाउंस चेंज करना होता है. अब प्रोनाउंस चेंज करने के लिए हमें कम से कम प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं, उनकी कैटेगरीज और उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं, ये पता होना ही चाहिए. इसलिए पहले एक बार जल्दी से हम ये जान लेते हैं कि प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या होती हैं. देखिए, प्रोनाउंस को जैसा कि आप जानते भी हैं, सुना भी होगा आपने, कि प्रोनाउंस को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इनमें कौन से प्रोनाउंस आते हैं? फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन का एक ही प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन में चार प्रोनाउन आते हैं ही, शी, दे और इट. इनके जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारी आज हम जानेंगे. पहले देखिए इनकी पजेसिव फॉर्म कौन सी होती है. पजेसिव यानी संबंध बताने वाली. सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जो सब्जेक्ट की जगह आती है. एक सेंटेंस में वर्ब है, उससे पहले उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ये प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं. पजेसिव, आई का पजेसिव होता है माई, वी का होता है अवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देर और इट का होता है इट्स. ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. इसीलिए आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है. एक इनकी फॉर्म होती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट का भी काम करती है और कभी कभी एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए, बात में बल जोर देने के लिए भी काम आती है. वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है? आई की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है माई सेल्फ, वी की हो जाती है अवर सेल्फ, योर की, देखिए यू जो एक प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव फॉर्म की बात आती है तो इसकी दो अलग अलग फॉर्म्स हो जाती हैं. यानी यू की दो रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर अलग और प्लूरल अलग. इसीलिए यू का रिफ्लेक्सिव फॉर्म कभी कभी योर सेल्फ भी यूज होता है और योर सेल्फ भी यूज होता है. ध्यान में रखिए, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाने के लिए सेल्फ जोड़ा जाता है. जैसे हिम है तो हिमसेल्फ, हर है तो हर सेल्फ, दे है देम, प्लूरल है इसलिए देमसेल्फ्स और इट का हो जाएगा इटसेल्फ. तो ये होती है इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स. अब एक बात और है इसमें जो आपको जानना जरूरी है, कि जो पजेसिव फॉर्म होती है ना, पजेसिव फॉर्म वो दो तरह की होती है. अब जो आपने ये देखी, ये पढ़ी, ये है एडजेक्टिव. ये कौन सी है? एडजेक्टिव पजेसिव फॉर्म.
यानी ये सभी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं कहा जा सकता जब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लेकिन इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन फॉर्म भी होती है। देखिए कौन सी होती है, ये थी एडजेक्टिव फॉर्म, अब हम जानेंगे इनकी प्रोनाउन फॉर्म, प्योर प्रोनाउन फॉर्म इनकी क्या होती है। माई का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है, माइन। आवर की प्रोनाउन फॉर्म आवर्स, योर की योर्स, हिज की प्रोनाउन फॉर्म हिज ही होती है, हर की प्रोनाउन फॉर्म हर्स होती है, देयर की प्रोनाउन फॉर्म देयर्स होती है और इट्स की प्रोनाउन फॉर्म इट्स ही होती है। अब ये जानकर अगर किसी के मन में भी एक छोटा सा डाउट है कि भाई इनमें फर्क क्या है, इनके यूज में डिफरेंस क्या है, इनका अर्थ अलग अलग कैसे है, तो वो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज माई बुक, कि यह मेरी किताब है। यहां पर आपको माई प्रोनाउन नजर आएगा कि ये भाई प्रोनाउन की फॉर्म है तो प्रोनाउन ही होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या क्या है, तब ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये यहां पर एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी नाउन के साथ आके उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि किताब किसकी है, मेरी है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव्स की जगह काम आते हैं। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं कि दिस बुक इज माइन। अब यहां पर देखिए दोनों का हिंदी अर्थ भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, मेरी किताब, ये एक साथ बोला जाएगा, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह किताब दिस बुक इज माइन, मेरी है, बस यही फर्क है। यानी अर्थ और भावार्थ में कोई फर्क नहीं, लेकिन बस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात आती है तो इनका इंट्रोडक्शन अलग अलग हो जाता है, इनकी काइंड अलग अलग हो जाती है। यहां पर माइन क्या है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ही कहलाएगा, एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है, इसीलिए बस माई और माइन में ये फर्क होता है। ये चीज हमारे नरेशन में काम आने वाली नहीं है, बीच में ऐसे ही आपको बताना था ताकि आपके बीच में इनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जानते हैं एक और बात, किसी के मन में अगर ये डाउट आए कि भाई यहां पर भी यू दिया हुआ है और यहां पर भी यू दिया हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्टिव केस वाला यू है या ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, और ये पहचानना जरूरी भी होता है नरेशन में, ठीक है, इसके बिना गलती हो सकती है। तो बहुत सिंपल है इसको पहचानना, हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है, उस वर्ब से पहले वाला अगर यू है, अगर उस वर्ब के पहले आया है तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्टिव केस वाला यू है, और वर्ब के अगर मान लो बाद यू आया है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट केस वाला यू है। ये इनमें फर्क होता है, वर्ब से पहले आई वाला यू सब्जेक्ट, बाद में वाला यू ऑब्जेक्ट। और सिमिलर वर्ड्स कहां है इसमें, देखिए हिज और हिज ये भी सिमिलर है, तो कैसे पता चलेगा, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि दिस बुक इज माइन वाला एग्जांपल था कि दिस इज हिज बुक, साफ साफ पता चल रहा है कि ये यहां पर कौन सा फॉर्म है, ये यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यही अगर सेंटेंस ऐसे होता कि दिस बुक इज हिज, अब यहां पर ये प्रोनाउन फॉर्म है, और ये जानना जरूरी होता है हमारा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाए तो आप इसको चेंज करते वक्त गलती कर सकते हो, इसलिए बस ये ध्यान में रखें, अगर हिज किसी नाउन के साथ आए तो एडजेक्टिव फॉर्म, अलग से आए तो प्रोनाउन फॉर्म, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, यहां पर आप देखेंगे इस टेबल में तो यहां पर हर भी दिया हुआ है और यहां पर भी हर दिया हुआ है, यानी एडजेक्टिव केस में भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर है, पता कैसे चलेगा, ठीक जैसे अभी पता किया, अगर वर्ब के बाद में हर आया है तो वो ऑब्जेक्ट वाला केस है, लेकिन अगर उसके जस्ट बाद में नाउन आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एग्जांपल दें, जैसे कि आई नो हर, इस सेंटेंस में हर क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है।
लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऐसा हो कि आई नो हर मदर, अब देखिए ध्यान से, ये हर अकेला नहीं है, ये हर किसके साथ आया है, मदर के साथ। और यहां पर इस नाउन की ये कोई विशेषता, यानी कोई ना कोई यहाँ पर एट्रीब्यूट बता रहा है, कोई ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म। चेंज करते वक्त हमें किस फॉर्म का किस फॉर्म का प्रोनाउन आया है, उसी फॉर्म का दूसरा प्रोनाउन हमें वहां रखना होता है। आई रिपीट, जिस फॉर्म का प्रोनाउन दिया हुआ हो उसी फॉर्म का प्रोनाउन आता है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउन चेंज करते वक्त, और इसको मैं बार बार दोहराऊंगा भी आगे, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन टेबल है, एक बार पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा कोई प्रोनाउन की फॉर्म नहीं होती है, यही प्रोनाउन्स होते हैं जो हमारे भले पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, भले वॉइस हो, भले नरेशन हो, भले ट्रांसफॉर्मेशन, सब में यही प्रोनाउन्स की फॉर्म्स काम आती हैं। इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रोनाउन्स चेंज कैसे करते हैं उन रूल्स की ओर। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रोनाउंस को चेंज कैसे किया जाता है उन रूल्स की ओर। देखिए, प्रोनाउंस चेंज करने का एक बहुत ही फेमस रूल, फेमस ट्रिक आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, सन वाली, है ना, कि भाई प्रोनाउंस तीन कैटेगरी के होते हैं, कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को हमेशा किसी भी मतलब चेंज नहीं करते, इसलिए नो चेंज, नाइन का मतलब नो चेंज। अब ये ट्रिक आपने सुनी है, सही है, लेकिन कभी कभी इस ट्रिक की वजह से गलती हो जाती है। कैसे गलती हो जाती है, पहले बताता हूं आपको। मान लो दिया हुआ हो कि ही सेड टू मी वी हैव टू गो। अब इसमें देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हम चेंज कर पाएंगे, वी को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे, कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। क्यों, वी यहां पर है प्लूरल और ही यहां पर है सिंगुलर, कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इस टेबल से हमसे गलती हो सकती है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दूसरे तरीके से समझते हैं। बात वही होगी, तरीका दूसरा होगा। प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको मेरे हिसाब से दो ही बातें याद रखने की जरूरत है। दो बातें क्या, देखिए ध्यान से। पहली बात कि अगर इनवर्टेड कॉमास में कहीं पर भी आई, माई, मी, माइन, माइसेल्फ, ठीक है, यानी ये पहली लाइन, इनमें से कोई भी प्रोनाउन अगर आपको इनवर्टेड कॉमास के अंदर दिखाई दे कहीं पे भी, तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज कर दो। रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के वर्ब, और बाहर की वर्ब यानी बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो। और दूसरा और आखिरी रूल कि योर्स और योरसेल्फ, इन पांचों में से, यानी सेकंड पर्सन वाली इस लाइन में से कोई भी प्रोनाउन अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको दिखे, तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के यानी बाहर की वर्ब के यानी बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो। बस इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है, ये समझ लीजिए। वी को चेंज करने का रूल अलग होता है, वो इस क्लास के एंड में आपको मैं बता के जाऊंगा, ठीक है ना। बस इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ही, शी, दे, इट, और इनके जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहीं पर भी आए तो उनको चेंज नहीं करेंगे, तो उसका कोई रूल ही नहीं बनता। इसीलिए बस ये दो ही रूल है जो हमारे काम आते हैं, और इसमें आपके 90% 10th तक के बच्चों को तो सिर्फ ये दो ही याद रखने की जरूरत है, इसके अलावा जाने की जरूरत ही नहीं है। 12th के और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके अलावा भी पूछ लिए जाते हैं,
उनके लिए मैं इस वीडियो के एंड में सारे सवालों के जवाब दे के जाऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दो बातें और अच्छे से एक बार रिपीट कर लें, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ हमें एग्जांपल्स के साथ इनको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है और इनको कंफर्म करके सीख लेना है, ठीक है। दोबारा सुनो, आई माई मी माई माई सेल्फ, यानी अगर ये फर्स्ट पर्सन, एक सिंगल वर्ड में कहूं तो फर्स्ट पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको बदल देंगे। सेकेंड पर्सन दिया हुआ हो, यानी यू योर, यू योर्स, योरसेल्फ, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको बदल देंगे। पहले इनका एग्जांपल ले लेते हैं एक एक, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, यू हैव टू सी इट। ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना सीखना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी सीखी, कंजक्शन अलग से सीखा, प्रोनाउन अलग से सीखेंगे, टेंस चेंज करना अलग से सीखेंगे, फिर अदर वर्ड्स अलग से। पहले पांचों रूल्स को हम अलग अलग सेपरेटली सीखेंगे, सेपरेटली सीखने के बाद हम एक साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड में सेंटेंस वाइज। फिलहाल सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना सीखना है हमें। अब प्रोनाउन चेंज करना है यू। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जिसको रिपोर्टिंग वर्ब नाम में दिक्कत आ रही है ना, इतना समझ लीजिए कि बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करना है, ठीक है। बाहर में ऑब्जेक्ट है मी, तो यू की जगह क्या आ जाएगा? मी के अकॉर्डिंग आई। मी का आई क्यों हुआ? मी का आई क्यों हुआ एक बार और अच्छे से समझ लो। यहां पर यू किस फॉर्म में है? ध्यान से देखिए, यू किस फॉर्म में है? ये वाला यू है, ये वाला यू है। वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट वाला यू, तो इसकी जगह कोई सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही लेगा, इसलिए हमने मी को सब्जेक्ट की फॉर्म में रख दिया। अगर ये यू इस वर्ब के बाद में होता तो हम ऑब्जेक्ट वाला कोई प्रोनाउन यहां रखते। एज आई टोल्ड यू बिफोर, कभी भी केस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन की फॉर्म चेंज नहीं होती। प्रोनाउन चेंज हो जाता है, प्रोनाउन की फॉर्म कभी चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट ही उसकी जगह लेगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही उसकी जगह लेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्ट ही उसकी जगह लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैव टू सी इट आ गया, इट भी प्रोनाउन है ना, लेकिन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज करेंगे इट का, इट ही रख देंगे। बस प्रोनाउन चेंज करने का रोल इतना ही होता है, बस ये दो बातें याद रखनी होती हैं। और एग्जांपल ले, और अच्छे से एग्जांपल लेके इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा शी सेज टू हिम आई हैव लॉस्ट, योर कर देता हूं यहां पे, योर पेन। चलो देखो, यहां पे चेंज करना है आई, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? शी होती है, तो यहां पे शी आ गया। आगे बढ़ते हैं, योर, योर चेंज करना है, यो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम का योर की जगह क्या आएगा? यानी हिम की ये एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? देख लीजिए, हिज, यहां पे आ जाएगा हिज। यहां पे योर था एडजेक्टिव फॉर्म, तो हिम की यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। यहां पर सब्जेक्ट फॉर्म में था आई, तो यहां पर शी की ये सब्जेक्ट फॉर्म ही आएगी। तो बात होती है कि फॉर्म सेम ही रहती है, बाकी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ये रूल यहां पर आपने देख ही लिया। किसी को एस ओ एन वाला रोल अच्छे से समझ में आया हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग भी करेगा, तो भी यही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बस वी वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक, उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। जैसे देख लीजिए कि मयंक सेड टू हिज सिस्टर, ठीक है, कि Your bag is in
माय रूम। इस सेंटेंस में हमें योर चेंज करना है, यू योर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है हिज सिस्टर, और हिज सिस्टर के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, बहन के लिए, लड़की के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, शी। तो शी का एडजेक्टिव क्या होता है, हर, इसलिए योर की जगह आ गया हर। क्यों, हिज सिस्टर के लिए आएगा शी, और यहां पर दिया हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म, तो सिस्टर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा प्रोनाउन में, हर ही होगा। आगे माई, आई, माई, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, मयंक, बाहर के सब्जेक्ट मयंक। मयंक के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, लड़का है, एक है, और लड़का हो तो उसके लिए ही आता है। अब ही का माई के बदले में क्या मिलना चाहिए हमें, एडजेक्टिव। तो इस ही का, मयंक का प्रोनाउन में एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, इसीलिए माई का हो गया हिज। तो ये माई यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है ना। तो सिंपली याद रखना होता है हमें, ऐसे टिप्स पे याद रख लीजिए, आई, माई, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई रिपीट, आई, माई, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। मोस्टली यही दो चीजें हमारे बार बार काम आती हैं। अब इनको और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ हम सीखते हैं। चलिए, जैसे दिया हुआ है कि रोशनी सेड टू रोहित, योर फादर हैज इनवाइटेड मी। चलिए, इसमें हमें प्रोनाउन चेंज करना है योर। अब योर को चेंज करने के लिए हमें पता है कि यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट में है रोहित, और उसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही, इसीलिए योर के बदले में हमें इस रोहित का कोई प्रोनाउन चाहिए तो क्या मिलेगा, हिज, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म थी, और अब इस एडजेक्टिव फॉर्म के बदले में हमें एडजेक्टिव फॉर्म ही चाहिए, तो रोहित का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, His। अब आगे बढ़ते हैं, मी को चेंज करना है, आई, माई, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, आई, माई, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, रोशनी, तो रोशनी के लिए यहां पर दिया हुआ ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो यही फॉर्म यहां पर आएगी रोशनी के लिए। तो रोशनी के लिए क्या यूज करेंगे प्रोनाउन, शी ना। अब शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहां पर आ जाएगा हर। बस यही चीज होती है, दो बातें याद रखनी होती है, पहली कि कभी भी फॉर्म या केस चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगी। और दूसरी बात, यही जो हमने दो रूल लिखे कि आई, माई, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, भले वो कहीं पे भी आए हुए हो। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखें कि ही सेज टू मी, आई, आई विल कॉल यू। आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चेंज कर दीजिए, ही आ जाएगा। यू को चेंज करना है, अब यू कौन सा है, सब्जेक्ट वाला यू है, ऑब्जेक्ट वाला यू है, वर्ब के बाद आया है ना, तो ये ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वाला यू है। इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कोई भी यू हो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, तो इसमें मी का मी रह जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए ध्यान से, यू था, यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में मी है, और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मी ही होती है, इसलिए इसकी जगह मी आ गया। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यू सेड टू मी, You don't know me। अब देखिए वाइस वर्सा है यहाँ पे, लेकिन है इजी, रूल वही है, देखिए ध्यान से, रूल कभी नहीं बदलते, रूल वही रहते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। उन रूल्स को अच्छे से हमने समझ लिया तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। यू को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना,
ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है मी, इसकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी? आई, क्योंकि यहां पर यह सब्जेक्ट फॉर्म में है, यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में था इसलिए ऑब्जेक्ट आया, यहां पर वर्ब से पहले है सब्जेक्ट फॉर्म में इसलिए मी का सब्जेक्ट आया। आगे मी को चेंज करना है ना, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आई, माई, मी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? यू। अब यहां पर यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है इसलिए यहां पर यू ही आएगा। अब आपके लिए एक ट्रिक, क्योंकि हो सकता है यहां तक देखने के बाद भी, हालांकि मैंने हर एग्जाम्पल में एक ही बात रिपीट की है बार बार, लेकिन अगर किसी को अभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस फॉर्म इनमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, दिक्कत आ रही है लैक ऑफ प्रिपेयरनेस की वजह से, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक को यूज करके आप कभी भी प्रोनाउन में मिस्टेक नहीं करेंगे। आई कैन गारंटी दैट। ओके, उसके लिए आपको ये प्रोनाउन की टेबल याद होनी चाहिए, और प्रोनाउन की टेबल में आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म, एक एडजेक्टिव फॉर्म और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये तीन चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे अगर ये चीजें याद हुई तो कभी गलती नहीं होगी, आपको ये फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले आप ये टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद में क्या है देखो, आई सेड टू माय फादर, यू प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस्ड him to give a reward। चलिए हमें चेंज करना है किसको? यू को। तो ट्रिक ये है कि जिस प्रोनाउन को आपको चेंज करना है, जिस प्रोनाउन को चेंज करना है उसकी लाइन लिख दीजिए। किसको चेंज करना है? यू को। तो इसकी लाइन लिखते हैं यू, Your, you। कौन सा वाला you है? First वाला you है, subject से पहले, verb से पहले आया है। ये किसके according change होगा? You, your, you, object के according। Object में my father, my father के लिए, यानी मेरे पिताजी, पिताजी के लिए कौन सा pronoun आएगा? He आएगा, पिताजी के लिए he आता है, कोई भी पुरुष हो उसके लिए he आता है। उसकी line इसके ठीक नीचे लिख दीजिए, he, his, him। बस जो pronoun आपको चेंज करना था उसके ठीक पास में, उसके ठीक नीचे जो प्रोनाउन आएगा वही प्रोनाउन उसकी जगह ले लेगा। दैट्स ऑल, यही ट्रिक है। पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको सुन लीजिए, अगर ये आपके समझ में आ गई, प्रोनाउन चेंज करने में कभी गलती हो ही नहीं सकती आपसे, दैट आई कैन गारंटी। चलिए देखिए ध्यान से, ही सेड टू हर, आई will return your money tomorrow। अभी सेंटेंस में हमें आई को चेंज करना है, जिसको चेंज करना है, दो बातें हैं, फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक क्या है, जिसको चेंज करना है उसकी लाइन लिख दो, वो जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उसकी लाइन उसके नीचे लिख दो, बस इतना ही और कुछ नहीं। किसको चेंज करना है? आई को, आई, माई, मी। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही, हिज, हिम। आई के बदले में हमें क्या मिला? ही, तो ही आ जाएगा। आगे देखो क्या चेंज करना है, योर, बस जिसको चेंज करना है लिख दो, यू, योर, यू, यू, योर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? हर, तो शी, हर। देखो क्रम रखना है, जिस क्रम में आप ये लिख रहे हो ना फर्स्ट लाइन, उसी क्रम में नीचे वाली लाइन आएगी। अब देख लीजिए योर के बदले में आपको क्या मिला? हर। तो दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है। और देख लीजिए कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ट्रिक कभी आपको, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, श्योर रहिए इस बात से।
अब जैसे कि शी सेज टू हर ब्रदर, अब इसमें कर लेते हैं कि यू डिड नॉट कम टू आवर पार्टी। चलिए देखिए यू को चेंज करना है तो यू की लाइन लिखेंगे यू योर और यू। ये कौन सा वाला यू है? फर्स्ट वाला, वर्ब से पहले है, चेंज करना है। यू योर यू सभी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर ब्रदर। अब हर ब्रदर के लिए क्या आएगा? देखो हर ब्रदर उसका भाई, भाई के लिए पुरुष है, ही आएगा तो ही हिज हिम। यू के बदले में हमें मिला ही, यही उसका आंसर है। यहां देखिए ध्यान से अवर, अब वही बात आ गई वी अवर अस। अब वी अवर अस को क्या हम शी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे। बस यही सस्पेंस है, थोड़ी देर के लिए रखिए, लास्ट में आपको वी अवर अस को चेंज करना भी बताऊंगा। तो आई थिंक ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी। कितने भी एग्जांपल ले लीजिए, ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल मैं इस ट्रिक को यूज करके आपको और बता देता हूं, जैसे कि ईशान सेड टू इशिता यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। यू को चेंज करना है यू योर यू, लिखा यू योर यू। अच्छा मैं बार बार लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, एक बार शुरुआत में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सही आंसर मिलेगा, फिर आपके ये ट्रिक टिप्स पे आ जाएगी। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप टिप्स पे कर लीजिए, जैसे कि यू योर यू, आपको यू चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? इशिता, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी हर हर, आपको यू चेंज करना था तो शी आ गया ना उसके बदले में, तो शी हर हर, तो यू के बदले में आपको मिला शी। आगे बढ़ते हैं, आपको चेंज करना है माई आई माई मी, चेंज करना है माई आई माई मी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? ईशान, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही हिज हिम, तो माई के बदले में आपको क्या मिला? हिज, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप किसी भी तरह के प्रोनाउन को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास में यू दिया हुआ हो लेकिन बाहर ऑब्जेक्ट ही ना हो, तब क्या करें? एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई आई सेड यू रुइंड माय प्लान। अब इसमें हमें चेंज क्या करना है? यू, और यू योर यू हमेशा होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम देखेंगे तो बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब बाहर ऑब्जेक्ट ना दे हुए होने के कारण हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें? आप ध्यान में रखो, यू को आप चाहो उसमें चेंज कर सकते हो, उस केस में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। बस यहाँ ये बात ध्यान रहे कि जो सब्जेक्ट है ना, बस वही ऑब्जेक्ट ना बन जाए। जैसे कि आई सेड का, इसमें सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, कंजक्शन लग जाएगा दैट, तो आप इस यू को आई में चेंज मत करो क्योंकि आई ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। आप आई के अलावा इसको आप ही में चेंज कर दो, उसको शी में चेंज कर दो, इसके अलावा तो किसी में चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि वी हो नहीं सकता और दे इसमें होगा नहीं, ठीक है ना। हालांकि यू प्लूरल भी होता है लेकिन इसको जनरली सिंगुलर ही माना जाएगा जब तक इसमें ये कंफर्म ना हो जाए कि ये बात प्लूरल की ही हो रही है, इसलिए आप इसको ही या शी में चेंज कर सकते हो किसी में भी। एक दूसरा केस भी होता है क्या, कि आप अपनी मर्जी से पहले कोई ऑब्जेक्ट यहां पे जोड़ दो। आप अपनी मर्जी से यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो, जैसे आई
सेड का हो जाएगा टोल्ड जब आप ऑब्जेक्ट जोड़ोगे. यहां पर हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया हिम, फिर कंस्ट्रक्शन लगा दिया दैट, और फिर आपने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही. फिर आगे ये चेंजेस उसके अनुसार माई है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार माई ही रहेगा. ठीक है, एक बार समझ में आ गई कि जब यू दिया हुआ हो और बाहर अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप कैसे चेंज करें. आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं. जैसे कि देखो शी सेड यू आर इनवाइटेड ऑन माय बर्थडे. अब इसमें यू को चेंज करना है, बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब आप इसमें शी को छोड़ के किसी में भी चेंज कर दो. जैसे शी सेड दैट, इसको आई में चेंज कर दीजिए, इसको ही में चेंज कर दीजिए, आप किसी में भी चेंज कर दीजिए. ठीक है ना, अदर किसी में भी चेंज कर दीजिए इसको छोड़ के. दूसरा तरीका कि शी सेड को टोल्ड में बदलो, फिर आप इसमें कोई भी जैसे मी जोड़ दिया, मी जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज कर दोगे तो यहां पर आई हो जाएगा. यहां पर आप ऑब्जेक्ट जोड़ दो हर तो यहां पर शी हो जाएगा क्योंकि ये यू फिर इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो ये जब यू दिया हुआ हो और बाहर ऑब्जेक्ट ना हो तो इस तरह से हम चेंज करते हैं. एक दूसरा और सिचुएशन मैं आपको बताता हूं. कभी कभी ऑब्जेक्ट, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि कभी कभी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी दे दिया जाता है ना. कभी कभी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे दिया जाता है, जैसे कि पीयूष सेड प्रियंका आर यू लिसनिंग टू मी. अब इसमें ध्यान से देखिए. चलो शुरू से हम जैसे कि फर्स्ट और सेकंड रूल हमने रिवाइज नहीं किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पीयूष, फर्स्ट रूल क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए हमेशा हम अंदर के सेंटेंस को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है. क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सोचने की जरूरत ही नहीं, इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा इसका आस्क. प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में हमेशा आस्क वर्ब लगती है. अब ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो, अगर हमने यहीं पर कंजक्शन लगा दिया तो गलती हो गई हमसे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां तो नहीं है. लेकिन आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं कि कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा से अलग करके भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है. उस केस में हमें उस ऑब्जेक्ट को बाहर लाना होगा, बाहर लाना ही होता है. इसीलिए इस प्रियंका, इस ऑब्जेक्ट को हमने बाहर लाना है प्रियंका. अब कंजक्शन लगेगा और ये चीज बाहर आ गई. अब आगे का सेंटेंस यहां से है, ठीक है ना. तो पीयूष आस्क्ड प्रियंका, अब हमें यहां पर यू को चेंज करना है तो यू आसानी से चेंज हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्या होगा, प्रियंका क्या है, लड़की, उसके लिए प्रोनाउन आता है शी, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा शी. कंजक्शन क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना ये सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से तो कंजक्शन लग जाएगा इफ, आगे शी आ जाएगा. फिर आगे के चेंजेस बाद में सीखेंगे. फिर मी को चेंज करते हैं, आई माई मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीयूष के अकॉर्डिंग. पीयूष यानी लड़का, हे हिज हिम, ये लो. तो इस तरह से क्या होता है, प्रोनाउन भी चेंज करते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्ट अंदर दिया हुआ हो तो उसको बाहर ले आते हैं. इसका एग्जांपल और दे देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा सीखिएगा कि तन्मय सेड डोंट इरिटेट मी तानिया. ठीक है ना, इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट कहां दिया हुआ है, बाहर. कैसे पता चलता है ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो कॉमा से अलग किया हुआ होगा. जैसे यहां पर भी कॉमा से अलग किया हुआ था ना प्रियंका, वैसे ही यहां पर तानिया अलग किया हुआ है कॉमा से. अब ये क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है ये, बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब का. ले आएंगे तन्मय और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग. कौन सा सेंटेंस दिख रहा है आइए आपको, डोंट इरिटेट मी,
मुझे तंग मत करो, ठीक है ना, मुझे चिढ़ाओ मत। तो ये एक तरह से क्या हो गया, मना ही, किसी कोई किसी को मना कर रहा है और मना ही है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, फॉरबिड। इसीलिए फॉरबिड, क्यों, क्योंकि सेड है इसने फॉरबिड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि ये सेड सेकंड फॉर्म है। तन्मय फॉरबिड किसको, तान्या। कंजक्शन क्या लग जाएगा यहां पर, डोंट हट गया, कंजक्शन लग गया टू। अब आप कहेंगे कि डोंट था तो नॉट टू लगना चाहिए था। याद रखें फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, नॉट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड लगाएंगे तब नॉट टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू ही लगाएंगे। फिर इरिटेट का इरिटेट रह जाएगा और मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तन्मय, तो तन्मय के लिए क्या जाएगा, हिम, क्योंकि ये लड़का है, he is him, I my me, he is him। तो ये है ओवर टोटल जितने भी प्रोनाउंस चेंज करने के रूल्स हैं वो। और जैसा कि मैंने बोला था, अब लास्ट में वी को चेंज करने के रूल्स अभी बता रहा हूं आपको मैं, कि हाउ टू चेंज वी, आवर, अस एंड सो ऑन। अब ये अगर इन्वर्टेड कॉमास में कहीं पर भी दिए हुए हो तो कैसे चेंज करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। अब इसकी जगह है सिर्फ कोई प्लूरल प्रोनाउन ही ले सकता है, जो क्या होता है, दे, और या फिर दूसरा एक और प्लूरल प्रोनाउन होता है, कौन सा, वो होता है यू। तो बस यही रूल है तीन, वी की या तो जगह ले सकता है यू या फिर ये कोई दे इसके जगह ले सकता है। कब, तो ये तीन जो चीज आपको दिख रही है ना, ये तीन चीजें ही तीन रूल के रूप में या तीन पॉइंट्स के रूप में आपको इस टॉपिक में मिलेंगी। कैसे, यानी देखो, या तो वी अवरस का वी अवरस रहेगा, या उसका दे देर देम होगा, या उसका यू योर यू हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसलिए इसके तीन पॉइंट बने हुए हैं। वो तीन पॉइंट क्या है कि इफ इफ देर इज वन फर्स्ट, पहले मैं इसका रूल लिखवा रहा हूं, थ्योरी लिखवा रहा हूं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के साथ, कि इफ देर इज वन पर्सन, यानी इफ देर इज वन फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टिंग पार्ट, यानी अगर रिपोर्टिंग पार्ट में क्या हो, एक फर्स्ट पर्सन मिल जाए ना, भले वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, तो वी आवर और अस, ये तीनों कभी भी आर नॉट चेंज्ड, तो ये कभी चेंज नहीं होते। कैसे, देखो, ही said to me, we will study, छोटा सा एग्जाम्पल है, हमें सिर्फ वी को चेंज करना सीखना है। अब वी को हम ही के अकॉर्डिंग तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन रूल इसका अलग है। रूल क्या है, इफ देर इज वन फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब क्या, ये सीख लो बस, रिपोर्टिंग पार्ट ये पूरा का पूरा ही होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जितना भी हिस्सा है सारा रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। तो इस रिपोर्टिंग पार्ट में अगर एक भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दिया ना, तो वी ओवर्स कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे ही सेड टू मी, यहां पर फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, कहीं पर भी हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट में, अगर एक भी फर्स्ट पर्सन आपको दिखाई दिया तो वी का क्या रहेगा, वी रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि शी, चलो ऑब्जेक्ट में था ना, आई को ले लो, आई सेड to her we made our breakfast। अब हमें we और our को change करना है, तो I के according change कर देंगे क्या, कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि we ours को we ours में रखें या किसी और में change करें। तो इस reporting part में क्या आपको कोई first person दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है ना, तो अगर आई दिख रहा है तो आप इसको कभी चेंज मत करो, इसको वी
ओवर अस में ही रहने दो, जहां पर भी वी ओवर अस है उनको एज इट इज रहने दो। ये तो हो गया पहला रूल। अब बात करते हैं इसके दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है कि इफ देयर इज ओनली थर्ड पर्संस, या देयर आर कर देता हूं, इफ देयर आर ओनली थर्ड पर्संस इन रिपोर्टिंग पार्ट, तो क्या होगा, वी आवर और अस, ठीक है ना, विल बी चेंज्ड इनटू दे देर और देम। ये रूल होता है, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए ये, ठीक है, वी आवर अस। तो अगर इसका मतलब क्या है, इफ देयर आर ओनली थर्ड पर्संस इन रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब वही जैसे कि ही सेड टू हर, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। चलो कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने। अब यहां पे हमें वी को चेंज करना है, तो वी को चेंज करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट देखना गलत है, हम देखेंगे पूरा रिपोर्टिंग पार्ट। इस पूरे रिपोर्टिंग पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इफ देयर आर ओनली थर्ड पर्संस, देख लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है कि नहीं, दोनों थर्ड पर्सन है। तो अगर दोनों थर्ड पर्सन हो तब उनका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, यानी वी का दे हो जाएगा, कहीं अगर अवर होता तो देर हो जाता, अस होता तो वो देम हो जाता, ठीक है ना। तो अगर दोनों थर्ड पर्सन है ना तो आप उसको दे देर देम में चेंज कर दो। अब कभी कभी इसका क्या होता है, यू भी हो जाता है, तो वो किस केस में होता है, देखो कि इफ देर इज वन सेकेंड पर्सन एंड वन थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, वी आवर और अस, ये विल बी चेंज्ड इनटू यू योर यू। ऑलराइट, ये रूल है भैया कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर, ये रिपोर्टिंग पार्ट मैंने लिखा नहीं, आप ऐड कर लेना, कि इफ देयर इज वन सेकेंड पर्सन एंड वन थर्ड पर्सन इन रिपोर्टिंग पार्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं आरपी, इन रिपोर्टिंग पार्ट यानी आउटसाइड द इनवर्टेड कॉमास, तो क्या होगा, वी आवर अस विल बी, वी आवर अस will be changed into you your you, तब ये you your you में change हो जाएंगे। Example दूं, देखिए ध्यान से, जैसे कि अगर दिया हुआ है कि she said to you my father saw us together। अब देखो माई को चेंज करना है ना, तो वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हर, लेकिन यहां पर चेंज करना है हमें अस। अब अस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे फ्रेज को देखना चाहिए, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को देखने से नहीं होता। वी आवर अस को चेंज करने के लिए हमें पूरा फ्रेज देखना होता है। पूरा फ्रेज देखो ध्यान से क्या है, शी एक को दिया हुआ है थर्ड पर्सन हीरा, और एक दिया हुआ है सेकेंड पर्सन, यही रूल है, एक सेकेंड पर्सन एक थर्ड पर्सन, तो आप इसको चेंज कर दो यू योर यू में, तो वी अवर अस यू योर यू, तो यहां पर आ जाएगा यू, ठीक है ना। तो ये तीन तरह से वी अवर अस को चेंज किया जाता है। तो ये थे प्रोनाउंस चेंज करने के सारे रूल्स। इसके अलावा प्रोनाउंस चेंज करने का कोई अदर रूल होता ही नहीं है, ठीक है।
अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोनाउंस चेंज करने में कोई गलती हुई हो, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना और बताई हुई चीज को थोड़ा गौर से समझ के अप्लाई कर देना। आई गारंटी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? कीप बी इन टच और कीप स्टडिंग और स्टे होम स्टे हेल्दी। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझ तक भेजिए, और आने वाले वीडियो में, आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं और किस तरह से हम अदर वर्ड्स को चेंज करते हैं, जो कि लास्ट एंड फाइनल रूल है हमारे नरेशन को चेंज करने के। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।